अंकल जी की लगभग कितनी कब्र होगी? कब्र करीबन होगी 1000 के आसपास। चांदी का सिक्का होता पहले रुपया बैदा बैठेगा कब्रा का मान। कब्रा का मान मेरा कुछ खोखा वगैरह ही मैं तोड़ लिए ही और अब खाते खाते वीडियो बनाऊंगी। साल का कितना रुपया बांट लो? साल का 40-50 लाख रुपया तो बांट लिया। 40-50 लाख तो फिर तो मैं नड़े बसनो बड़ा तो जो भाई मुस्लिम लोग छोड़ के गया मैं मुस्लिम अब है तो बाकी मस्जिद थे देख रहे होगा 50-60 कुआ आटे तो कितना कुआ? कुआ 80 कुआ। 80 कुआ? हाँ, और आबादी कितनी होगी बी टाइम पर? बी टाइम 500 करेंगे आबादी। राम राम जी। मोक्ष पूजल को बीकानेर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। साचू पोस्ट है, साचू पोस्ट के अंदर मैं आई हूँ और कोई दिन जब लड़ाई हुई बी टाइम पर यो गांव सौ बड़ो गांव होया कर तो बीकानेर को साचू गांव और लगभग 500 लोगा की के अंदर आबादी ही और जो इजा मुस्लिम भाई हा बैठे रिया करता 1965 की जब लड़ाई हुई ही ब्यू पहले और बी के बाद में हिंदुस्तान ने छोड़ की पाकिस्तान के अंदर चला गया और बाकी मस्जिद जाऊंगी दिखाऊंगी मैं तो बाकी मस्जिद थे देख रहे होगा कब्र भी मैं दिखाऊंगी तो बी टाइम की यह मस्जिद है बड़े आता और अड़े दुआ वगैरह करता और देखो यह मस्जिद है भैया जर्जर हो चुकी है पर पड़ी को नहीं है अभी तक पर एक चीज देखी अठे केड़ा का हिंदू भाई ही बिल्कुल भी मस्जिद ने टच कौन करी कि आपा तोड़ दिया फोड़ दिया आपा हिंदू हाँ बे मुसलमान बिल्कुल नहीं बाकी कोई फर्क ही कौन पड़ा तो मेरे साथ में अंकल जी ही। हाँ जी अंकल जी राम राम। राम राम अंकल जी कितनी साल का थे खुद होगा? मेरी उम्र होगी 45-46 के आसपास। 45-46 45 से ऊपर और 46 के नजदीक ही। तो कितनी सालों थे ठहरे रहे हो? ठहरे रहे 2006। तो 2006 के अंदर कहीं आया थे? 2006 के अंदर बुरा सर नहर निकली नहीं नहर निकाल गया जमीन अलॉटमेंट करी राजस्थान गवर्नमेंट किसाना ने जन्म यहाँ ले लीजना ठा गया पहले कठेरिया करता है जन्म थे राह वाले। तो थोड़ी सी मैं नठे की बात बताओ कि 1965 की जब लड़ाई हुई पहले कौन कौन रिया करता अड़ा के बारे में जितनी भी जानकारी है आप जानते हो। 2006 हूँ पहली तो अटकी को नहीं हो सिर्फ एकदम सुन सन पड़ियो कोई वो एक टीन सेट को वो पीर बाबा मिंद्र नहीं बीज गया टीन सेट को बनाए आप जाकर देख सा बट एक फौजा को बनाए टीन सेट को भी हूँ बाद में वो गाँव का लोग वो मंदिर बना दियो। हाँ। स्कूल बन गई देखो पहले छोटी स्कूल अब मोटी बन गई क्वार्टर क्वार्टर खासा बन गया चार दीवारी बन गई गाँव में इन गाँव में मकान बन गया 10-15 घर बन गया और रोडा बन गई सीसी रोड बन गई वाटर बॉक्स बन गयो गाँव में तो बहुत विकास हुआ 2006 के बाद में तो। और अभी तरह जो भैया देखा तो समस्या के समस्या तो रोड वाली है अभी तो पहले इजा कौन रहा करता? पहले मुसलमान रह करता भीम जाति का मुसलमान रह करता 2006 में झूपड़ा झूपड़ा और अवशेष था कुआ 50-60 कुआ आटे 2006 तक। हाँ कुआ तो मैं आ गया बुरा है बिल्कुल जर्जर हो गया। तो कितना कुआ? कुआ 80 कुआ। 80 कुआ? हाँ ये क्षेत्र। और आबादी कितनी होगी बी टाइम पर? बी टाइम 500 करेंगे आबादी आटे। ये पुराण मियाँ कोई करे? हाँ ओ मियाँ को करे वही तो बच्चे ये करे और तो दौड़ दौड़ गए फौजी आपका कच्चा मकान बना लिया जिप्सम का वो एक ही तो बच्चे डोपड़ी है। तो मियाँ बताओ की कौन गया? नहीं उठ गया सारा गेड़ है बह तो कौन ही गरीब रेड है ला रहे यूँ गल जी क्या को मंदिर हसन शाह दादा पीर। तो दादा पीर हसन शाह की जो बुखारी है एक अंदर आपा चलांगा दरगाह है भी दरगाह के अंदर आई हूँ तो बाबा करिए बेड़ा पार और अरे बहुत सारा लोग आवे ही चादर वगैरह चढ़ावे ही इधर प्रसाद देखो अगरबत्ती मखाना और पेड़ा चक्की गुड़ हर चीज को जब प्रसाद चढ़ा है दीवो जड़ा है थे देख रहे होगा इजा हिंदू मुस्लिम सब के लिए हिंदू सब ज्यादा मानते हैं मुसलमानों से और मुसलमान आते हैं यहाँ और हिंदू आते हैं सब मुराद पूरी होती है यहाँ की इनकी मेन जो दरगाह है ना वो पाकिस्तान में मेन दरगाह। कितनी दूर रहे हो? 50-60 किलोमीटर बता रहे हैं। आजकल सांगरी खोखा कड़े ही कौन बच्चे हैं और अठे की जब मैं बात बताऊं तो लगभग मैं रोड पर हूँ मैं उतर गया जो मैन हाईवे हो भी के बाद में जितनी भी जाटियाँ आई हैं जितना भी जटियाँ आई बाकी सब लटापट सांगरी खोखा यहाँ का जोर का लाग रही थोड़े भी देखो ये सांगरी अंकल जी थोड़ा सा ना कोई हो देखो सांगरी के लाग रही बहुत अच्छी लगी भाई सांगरी खोखा बंदा सांगरी की खा रही कमेंट कर दियो मेरा कुछ खोखा वगैरह ही मैं तोड़ लिए ही और अब खाते खाते वीडियो बनाऊंगी इतनी मेहनत करने लग रही हूँ तो वीडियो शेयर लाइक कमेंट और चैनल ना सब्सक्राइब जरूर कर लियो। और आज जो मैं कब्र थान दिखाने जा रही हूँ ए कब्र बहुत सारी कब्र एक कब्र को नहीं है अंकल जी की लगभग कितनी कब्र होगी?
कब्र करीबन होगी 1000 के आसपास। ओ भाई कब्र ही कब्र ही जावाले ओडिन देखा ना आप दूर तक कब्र नजर आऊंगी अठिन लास्ट तक कब्र नजर आऊंगी। कब्र अनुमान लगा के बैठे है 500 ग्राम आबादी के ज्यादा ही आबादी खुद के दिखन के मां चांदी का सिक्का निकला है मान लियो चांदी का सिक्का उतन पहले रिपिया बेदा बैठे का कब्रा के मान। हां कब्रा मान मरे जनांग मियां रिवाज है मुस्लिम के चांदी दाबे कतिक चांदी दाबे अब केटा के कोई के दो सिक्का कोई के पांच सिक्का या दबे सके अच्छा अपना कन जाए एक हुए दो हुए तीन हुई पांच हुई बिके अनुसार दाब दी। हां कोई के नजारे तो झाड़ दाब दे हमने तो जो भी है जो तू सोनो हुए जो भी है वो निकाल ले आंग सके भेजे। अच्छा चे कतो सोन दो चानी वो कतो नहीं वो भी हिसाब कुछ कुछ हां कुछ कुछ और जो भाई पानी थी थे देख रहे होड़े पशु वगैरह चरता रही घूमता रही टाट बकरिया बकरी लल भेड़ बकरियां चराता रही और गाय वगैरह चरता रही तो बाकी ये बड़ी बड़ी खेड़ी बना दी है तो भाई पानी है पी ली है। अंकल जी के समस्या समस्या सब ज्यादा हमारी है सड़क की समस्या सड़क है पूरी एकदम जर्जर हो चुकी है परेशान है और हमारा कोई समस्या कौन ज्यादा थोड़ा बहुत तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है इनकम अच्छी हुआ है यहाँ रहने के लिए शुद्ध हवा है और जो भाई मैं खान लाग रही हूँ सांगरी तो सांगरी बहुत हुई अंकल जी बहुत ज्यादा और खेल मतलब जाटी है लटपट हुई सांगरी ज्यादा हुआ है बाकी खेलडी की सबसे ज्यादा करा अंकल जी फौजिया की तरफ हूँ या कोई की तरफ हूँ तारे यहाँ दिक्कत थोड़ी है कोई दिक्कत नहीं है फौजिया की तुम्हारी हेल्प है। अंकल जी काफी लोग हैं सोचे कि भाई पाकिस्तान हिंदुस्तान के बॉर्डर के पास में ही तो बा लोगों के समस्या होगी बकेरो कहीं रहता होगा के मान खानो पीनो मिलता होगा। नहीं नहीं खानो पीनो सब मार लिए बंग लिए और मार लिए सब के लिए सब व्यवस्था है अपनी अपनी व्यवस्था खुद भी करते हैं। अठे कोई चोरी वाला तो सिस्टम ही को नहीं हो अगर कोई किंग चीज गुम होगी थे ट्रक जो कई चीज तो कोई आदमी उठा सी तो वो पहले अठ जितना भी लोग है बन कैसी कैसी आज चीज मिल लद दिए कोई वो चोरी वाला तो सिस्टम ही को नहीं। बहुत धन्यवाद अंकल जी थान मैं रात ने अंकल जी कन रुकिया हाँ और आसरो लियो हो खानो पीनो खायो हो और मैं दूर दूर तक कोई होटल कोई खान पीन की जा कोई सुविधा को नहीं है पानी की सुविधा ठीक है इधर नहर को पानी है वो लागे है खूब अच्छी खेती बाड़ी हुआ है खेती बाड़ी के बारे में बताओ। खेती बाड़ी तो बढ़िया हुआ है अंकल जी के कितनों के मतलब नाज हो जाता होगा साल को मुझे बताओ 400-500 क्विंटल हो जाए 400-500 और साल का कितना रुपया बांट लो साल का 40-50 लाख रुपया तो बांट लिया 40-50 लाख तो फिर तो मन अड़े बसनो बड़ो बताओ बसा लो आगे क्यों कौन बसा हमें तो तैयार जमीन देनी पड़ेगी फिर दे ध्यान जमीन ने किए तो कती जमीन दोगा बात ले थे बालेंगा क्यों को नहीं बालेंगा इतनी मेहनत होनी मुश्किल है अभी गर्मी लगन लागी जगह सही है अंकल जी हर एक आदमी सारी क्वालिटी को नहीं हर अलग अलग हुई कोई कोई चीज में एक्सपर्ट हुआ है कोई कोई चीज में आगर है ते खेती बाड़ी कर उसको मालो काम था रहा हूँ कौन हो सके मालो मारू कौन मारू बोली जी कौन दो थे तो एक्स्ट्रा बोलने में मारू बोल जे कौन ही तो भाई मैं चलता चलता घूमता फिरता आगा हाँ और अस्सी कुआ हा पर कुआ का अवशेष में दिखा कौन पाए क्योंकि लगभग कुआ अंकल जी थे बूर दिया हाँ बूर दिया जैसे मच्छर बूरिया बिंग मच्छर चमचेड़ चमगादट अच्छा वो ज्यादा बूर दिया ओहो भाई कोई तड़कन कोई पड़ जा कोई घटना घट जाए पड़ता तो कोई डांगर पड़ जाऊं तो कहीं कोई बकरी पड़ जाऊं थी कहीं कोई कुतियो पड़ जाऊं तो बाहर निकालता मैं रात ने कूदता खड़िया निकाल के बचाने ओ इंद्र ने लियो मुबूर दीवान अड़ाऊ केवल ही 2.5 किलोमीटर की दूरी का ऊपर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बॉर्डर है बाद में थोड़ो सो यहाँ पर 2.5 किलोमीटर का आगे चल जावा तो पाकिस्तान स्टार्ट हो जाए पाकिस्तान का मान कौन जानो है और जहाँ कब्र दिखाई है मस्जिद दिखाई है दरगाह दिखाई है कुछ लोगों बातचीत तैबा करिए तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर लाइक कमेंट करना ही जाता जाता चैनल है सब्सक्राइब कर लियो। जय हिंद जय राजस्थान राम राम जी।